Hey guys, this is me, Robbie here, and I'm back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, आज़ू रॉबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़िम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो टाइटल है जी क्रिकेटर से रिलेटेड, विराट कोहली, और उनके ऊपर मेरे ख्याल से छोटी सी स्टोरी और उनकी करियर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। टाइटल है हर्टफुल जर्नी ऑफ विराट कोहली स्टोरी। सो देखते हैं किस तरह से एक्सप्लेन किया गया और क्या क्या बताया जा रहा है। अपने नाम ना किया हो विराट ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो ऐसा लगा जैसा कि अब T20 फॉर्मेट ही खत्म होने वाला है। विराट दुनिया के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन जिंदगी ने भी उनसे कई बार इम्तिहान लिए। 2006 में उनके वालिद की मौत और फिर कैप्टेंसी को लेकर तनकीद का और फिर बाद तो में उनके स्लो स्ट्राइक रेट पर भी बातें हुई। विराट कोहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए, आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। लेकिन विराट ने इन सब के मुंह अपनी बैटिंग और अपनी परफॉर्मेंस से बंद किए। विराट अपनी जिंदगी में चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, इन्होंने सब क्रिटिसाइज का जवाब अपनी बैटिंग और अपनी परफॉर्मेंस से दिया। दुनिया के सभी लिविंग लेजेंड ने यह माना है कि इन्होंने विराट जैसा प्लेयर अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और सबसे बढ़कर इंडियन फैंस को वर्ल्ड कप जीतने का इतना खुशी नहीं है जितना विराट के जाने का दुख है। आइए आज विराट की इस जर्नी को एक फैन की नज़र से देखते हैं और अपने दिल से इन्हें एक फेयरवेल देते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि विराट कौन है और कैसे बना देगी कैरिबियन की एक न्यू वीडियो में खुश आमदी। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन मज़े की बात यह थी कि विराट जिस घर में पैदा हुए उस घर में सब लोग क्रिकेट को बहुत इज्जत देते थे। उनके वालिद प्रेमनाथ जो खुद एक वकील थे, उनकी मां का नाम सरोज कोहली जो एक हाउसवाइफ थी, विराट की एक सिस्टर है जिनका नाम भावना कोहली है, और उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम विकास कोहली है। उनके घर वाले बताते हैं कि इन्होंने 3 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। विराट बैट को लेकर अपने वालिद से कहते हैं कि आप मुझे बॉलिंग करें, और फिर 4 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्कूलिंग विशाल भारती स्कूल से शुरू की। स्कूल में बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देखकर उनका इंटरेस्ट मजीद बढ़ता गया। वहाँ के टीचर और वहाँ के लोगों ने इनके फादर से बोला कि आप विराट को एक क्रिकेट अकेडमी में ज्वाइन करवा दें। वक्त के साथ साथ विराट कोहली का क्रिकेट की तरफ रुझान बढ़ जाता है और उनका जुनून भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब वो 10 साल के हो जाते हैं, शायद कुदरत को ही ये मंजूर था कि वो दी किंग कोहली बने। 1998 में उनके करीब एक क्रिकेट अकेडमी ओपन हुई जिसका नाम वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी था, और विराट अपने घर में वहाँ जाने का इंटरेस्ट शो करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं। विराट का जुनून और क्रिकेट की सलाहियत को देखते हुए उनको इजाजत मिल जाती है। 10 साल का बच्चा उस वक्त बहुत खुश होता है जैसा कि उसे सब कुछ मिल गया हो, क्योंकि उसे अकेडमी की वजह से एक क्रिकेट माहौल मिला था, यहाँ वो अपनी क्रिकेट की सलाहियतों को निखार सकता था। विराट कोहली ने वहाँ एक कोच राजकुमार शर्मा के अंडर सख्त मेहनत की और ट्रेनिंग करना शुरू की, और वहाँ के कोच राजकुमार शर्मा ने जब देखा कि इनके अंदर काफी जुनून और तड़प है तो इन्होंने इनकी बैटिंग टेक्निक्स और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाया। इस अकेडमी की सहूलियात और कोचिंग स्टाफ की वजह से विराट कोहली को क्रिकेट करियर में काफी सपोर्ट मिली, और इस अकेडमी में ट्रेनिंग के साथ साथ वो स्वामी दोगा अकेडमी की तरफ से मैचेस भी खेला करते थे जो कि वसुंधरा इनकलेब पर वाकया था। सख्त मेहनत करने के बावजूद वो अंडर 14 के सिलेक्शन में अपनी जगह ना बना पाए, और क्रिकेट को छोड़ने की बजाय सख्त मेहनत की, और फिर कुछ वक्त के बाद 2002 में 13 साल की उम्र में विराट कोहली को दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट में मुंतखब किया गया। इन्होंने अपने पहले ही अंडर 15 सीजन में 51.14 की एवरेज के साथ 556 रन बनाए जिसमें 2 हाफ सेंचुरियां भी शामिल। इनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से इन्हें खूब तवज्जो मिली और तारीफ भी मिली, और उस वक्त के बड़े प्लेयर्स ने इस बात की यकीन दहानी की कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। और फिर वक्त गुजरता है और 2004 में विराट को दिल्ली के अंडर 17 टीम में तरक्की दी गई। इसने इस सतह पर भी बहुत परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी, और वो टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 72.00 की एवरेज के साथ 720 रन बनाए जिसमें 5 हाफ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी शामिल।
विराट की शानदार कारकर्दगी की वजह से इन्हें कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया गया और 2004 में सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्हें इंडिया अंडर 19 टीम के लिए मुंतखब किया गया। इन्होंने वहां भी अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा और बहुत सख्त मेहनत की और अपनी बैटिंग से अपनी टीम को कई बार जितवाया और फिर विराट को 19 मार्च 2006 में दिल्ली की रणजी ट्रॉफी के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और फिर 19 दिसंबर 2006 में जब क्रिकेट ने विराट का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मांगा। विराट उस वक्त फिरोज शाह कोलकाता स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम की तरफ से कर्नाटक की टीम के खिलाफ खेल रहे थे। कर्नाटक की टीम जो कि 446 रन बनाकर आउट हो चुकी थी और अब मैच का दूसरा दिन था और दिल्ली टीम की 105 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और विराट उस वक्त 40 रन पर खेल रहे थे। उस दिन का मैच खत्म होता है और सारे प्लेयर अपने घर की तरफ जाते हैं और विराट भी अपने घर जाते हैं और रात के 2:30 से 3 बजे उनके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनके सामने उनके फादर अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और फिर वहां पे विराट अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन लगाते हैं और उन्हें अपनी सारी सूरत हाल के बारे में बताते हैं तो वो इन्हें कल के मैच का खेलने का कहते हैं। विराट बड़ी मुश्किल से ये फैसला करते हैं और फिर अगले दिन यहाँ दिल्ली टीम जो हार के बहुत करीब होती है वहाँ विराट अकेले 98 रन बना देते हैं और ये उनकी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इस 98 रन की इनिंग से उनकी टीम जीत जाती है। उनके वालिद जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं और उनकी डेड बॉडी उनके घर में पड़ी होती है लेकिन ये बंदा यहाँ खेल रहा होता है और अपनी टीम को जितवा रहा होता है। ये ट्रेजेडी इनकी लाइफ की सबसे बड़ी इम्तिहान होती है जिससे निकलने के लिए इनको 1 साल लग गया और इसके बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट को दिया और क्रिकेट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई थी। और फिर अगले साल 2007 में विराट कोहली ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना शुरू किया। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 9 मैचों में 600 रन से ज्यादा रन बनाए जिसमें 2 सेंचुरियां और 4 50 शामिल और अगले साल 2008 जो कि विराट कोहली का सबसे अहम साल था। इस साल विराट ने इंडिया की तरफ से डेब्यू किया था। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा मैच में अपना डेब्यू किया था और इनको सहवाग की जगह खिलाया गया था क्योंकि उस वक़्त सहवाग और तेंदुलकर दोनों ही इंजर्ड थे जिसकी वजह से इनको खेलने का मौका मिला और फिर इसी साल इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट करियर में डेब्यू किया और फिर इसी साल इन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स में अपना डेब्यू किया और इस इवेंट में इन्होंने 13 मैचों में 320 रन बनाए जिसमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी और फिर इसी साल इन्होंने वर्ल्ड कप अंडर 19 में भारत की कप्तानी भी की और कप्तानी के साथ साथ इन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड कप जितवाया भी। इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 104 रन की शानदार इनिंग खेली और जिसकी मदद से भारतीय टूर्नामेंट जीता और इसी साल 2008 में इनको आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिला और फिर इसी साल इन्हें बीसीसीआई की तरफ से साल के बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर का अवार्ड भी मिला। साल 2008 इनके लिए कामयाब साल था जिसने इनके शानदार करियर का आगाज किया और फिर अगले साल 2009 में चैंपियन ट्रॉफी में विराट को युवराज सिंह की जगह नंबर 4 पर खेलने का मौका मिला क्योंकि तब युवराज सिंह भी इंजर्ड हो गए थे और फिर उसके बाद विराट को ओडीआई में मौका दिया जाने लगा और फिर अगले साल जून 2010 में होने वाली ट्राई सीरीज में श्रीलंका जिम्बाब्वे और इंडिया आमने सामने होने वाले थे और इस वक्त इंडिया की ऑडियंस सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उस ट्राई सीरीज में इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेकार थी और सबसे बढ़कर विराट कोहली उस सीरीज में वाइस कैप्टन भी थे लेकिन कोहली ने उस सीरीज में सबसे ज्यादा 13,000 रन बनाने का आजाज हासिल किया था और फिर इसी साल 12 जून को T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था और फिर अगले साल 2011 में इनकी जिंदगी का सबसे अहम साल बनता है। इस साल 2011 में विराट कोहली वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और ये उस वक्त इनके लिए बहुत ही एक अहम मौका था जिससे ये एक आलमी चैंपियन बन सके। इस वर्ल्ड कप में इन्होंने कुल 280 रन बनाए जिसमें 1 सेंचुरी जो कि बांग्लादेश के खिलाफ थी और 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी जो कि जनूबी अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ थी और इनकी फाइनल में 35 रन की इनिंग जो श्रीलंका के खिलाफ थी वो भी बहुत अहम थी। 2011 इनके लिए बहुत अहम साल था और वर्ल्ड कप जीतना इनके करियर का एक अहम संगे मैल था और इसने दुनिया को ये बताया कि वो आने वाले वक्तों में क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में से एक होंगे और फिर वक्त गुजरता है और विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखते हैं और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में विराट को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का जिम्मा दिया जाता है। उस वक्त धोनी इंजर्ड होते हैं और इनको कप्तानी करने का मौका मिलता है
मिलता है। और फिर धोनी फिट होकर तीसरे मैच में वापस आते हैं और 30 दिसंबर 2014 धोनी टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहकर विराट के हाथ में टेस्ट कैप्टनशिप पकड़ा देते हैं। और अब तक इंडियन टीम 16 बार बड़ी टीमों से मतलब सेना कंट्री से टेस्ट हार चुकी होती है और इस वक्त उनकी जो पोजीशन होती है वो 7th होती है। लेकिन उसके 2.5 साल बाद यानी कि 2016 में वही इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 पर थी। विराट की कैप्टनसी ने इंडिया को टेस्ट में एक नई उम्मीद और एक नया कमबैक दिया। इसमें विराट ने 7 डबल सेंचुरियां भी बनाई। और फिर नवंबर 2016 में एमएस धोनी T20 और ODI की कैप्टनसी भी छोड़ देते हैं और फिर विराट को उस वक्त तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करने का मौका मिलता है। और फिर इंडियन टीम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर चैंपियन ट्रॉफी 2017 खेलने जाती है और वहां पर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। लेकिन फाइनल में वो पाकिस्तान से हार जाते हैं। लेकिन उस लॉस के बावजूद भी उनकी कैप्टनसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा क्योंकि कोहली अभी तक अपनी प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने 2016 से लेके 2019 तक 10,000 रन के साथ 30 सेंचुरियां बना ली और इसके अलावा वो टेस्ट में नंबर 1 प्लेयर। लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंडर कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती। वक्त गुजरता है और अब साल आता है 2019 जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है। वहां जाकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है और उस सेमीफाइनल तक भी पहुंचती है। लेकिन वहां सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड टीम से हार का सामना करना पड़ा। इस वर्ल्ड कप की हार के बाद लोग उनकी बैटिंग के साथ साथ उनकी कैप्टनसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज करने लगे। और फिर 2020 में कोरोना आता है और विराट कोहली का डाउनफॉल आता है। 2.5 साल तक रन मशीन ने एक सेंचुरी तक नहीं बनाई। एवरेज स्कोर 20 से ज्यादा नहीं था। कई बार 0 पर भी आउट हुए। जो कभी विराट को हीरो कहते थे उसके डाउनफॉल ने सबके चेहरे शो करवा दिए। वो कहते हैं ना कि वक्त अगर अच्छा नहीं रहा तो रहेगा बुरा भी नहीं। इस डाउनफॉल में उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया जो कभी अपने हुआ करते थे। लोगों ने ये तक कह दिया था कि विराट को अब रिटायर हो जाना चाहिए, वो टीम पर एक बोझ है। सबको लग रहा था कि अब किंग का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन वो किंग कोहली था, कभी हार कैसे मानता। तो उस वक्त विराट ने खुद को टाइम देने का सोचा, खुद से बात की और फिर कुछ देर क्रिकेट से छुट्टी लेने का सोचा। इन्होंने इंग्लैंड के टूर ने वहां से एक मंथ की ब्रेक लेने का सोचा और ये 10 साल में पहली बार हुआ था कि विराट ने एक मंथ तक अपने बैट को हाथ नहीं लगाया था। और इस ब्रेक के बाद अगले ही मैच में 8 सितंबर 2020 की शाम को एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने अपना कमबैक किया। उस मैच में विराट कोहली ने 61 गेंदों में 122 रन बनाए और टीम इंडिया को फतह दी थी। ये वो इनिंग थी जिसका इंतजार लोगों ने 3 साल तक किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उस टूर्नामेंट के अंदर उस एशिया कप के अंदर सबसे ज्यादा हाई स्कोरर प्लेयर भी। इस कमबैक के पीछे इनकी कैप्टनसी को छोड़ना था। और फिर इन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़ी कैसे? 2021 के वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि ये वर्ल्ड कप उनकी कैप्टनसी के अंदर आखिरी है और उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म किया, स्पेशली अगेन पाकिस्तान। वो मैच टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई थी और टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से हारी थी। विराट और उनकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया और फिर रोहित को T20 की कैप्टनसी दे दी गई। और फिर उसी साल दिसंबर में BCCI ने विराट से ODI की कैप्टनसी भी छीन ली और उनसे कैप्टनसी लेकर रोहित शर्मा को दे दी। और फिर कुछ साल बाद इन्होंने खुद से ही टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने का फैसला किया और इसके बाद जब इंडिया की कैप्टनसी छोड़ी तो तब इनका जो विनिंग रेट था वो 63.38 जो तब तक किसी कैप्टन का नहीं था। यानी कि उसकी कैप्टनसी के अंडर टीम इंडिया सबसे ज्यादा बार जीती थी। तो जैसे ही विराट ने कैप्टनसी छोड़ी और अपने आप को टाइम दिया तो उनकी परफॉर्मेंस फिर से वापस आना शुरू हो गई। और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने वो किया अगर वहां दुनिया का कोई और प्लेयर भी होता तो नहीं कर पाता। 18 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे टीम इंडिया को और सामने पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर हारिस रऊफ। लेकिन वहां पे विराट कोहली था, इन्होंने बिना प्रेशर लिए वो मैच टीम इंडिया को जितवाया और अब 2022 में इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई प्लेयर कर पाता। इन्होंने बताया कि वो बड़े मैचों के प्लेयर, इन्होंने वहाँ परफॉर्म किया जहाँ परफॉर्म करने से प्लेयर डरते हैं, जहाँ प्लेयर परफॉर्म करने से घबराते हैं। इन्होंने फाइनल में जाके टीम इंडिया को ऐसी परफॉर्मेंस दी कि टीम इंडिया आज अपना वर्ल्ड कप इंडिया में लेके जा चुका। और फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे जो अहम बात थी कि जब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान, लोगों को, टीम इंडिया को, विराट के फैंस को वर्ल्ड कप जीतने की इतनी खुशी नहीं थी जितना उनके जाने का दुख था। आज हम कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट शायद अब बाकी नहीं रहा।
कौन सा चेहरा होगा जो विराट की जगह ले। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को विराट की जर्नी, आप लोगों ने इस जर्नी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगली डॉक्यूमेंट्री किसकी होनी चाहिए इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कैरिबिल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइस, ये थी जी डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग विराट कोहली के टोटल ऑल इन ऑल करियर के बारे में, उन्होंने बचपन से कैसे स्टार्ट किया और एंडिंग उनकी कभी कैसे हुई है। एंडिंग इन अ सेंस कि T20 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, ये नहीं कि वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, बाकी फॉर्मेट्स पे वो खेलेंगे। सो बहुत लाइक अच्छा लगा देखकर, और ये देखकर बहुत इंस्पिरेशन भी मिली है कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन या एक साल या दो साल के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की और वो अचीव कर लिया सब कुछ, नहीं, पूरी लाइफ टाइम उनकी लगी है, लाइक बचपन से लेकर और अब जो उनका एरा है वो पूरा उन्होंने दिया है, तो फिर उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में और सक्सेस अचीव किया है विद कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डाउनफॉल भी बीच में आया, फिर अगेन खड़े हुए। सो दिस शोज़ के ये इंसान कितना लाइक कंसिस्टेंट है और कितना लाइक ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट गेटिंग थिंग्स दैट ही डिज़ायर्स, और जो भी उसके गोल्स हैं उसने उसको अचीव किया और बहुत अच्छे लाइक कहेंगे कि जैसे के ऊपर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है T20 फॉर्मेट से, तो बहुत अच्छा लगा है देखकर। एंड आई रियली इंजॉयड दिस होल डॉक्यूमेंट्री ऑन विराट कोहली। आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी, अगर किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में।